नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। राज्य के पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आपके नेतृत्व में झारखंड सरकार बने 2 वर्ष हो गए हैं। इस अवधि में मैंने भ्रष्टाचार के कतिपय गंभीर मुद्दों के बारे में ठोस प्रमाण देकर आपको अवगत कराया है। आरंभ में आपने इनका संज्ञान लिया। मेनहर्ट घोटाला के नाम से कुख्यात रांची शहर के सीवरेज ड्रेनेज योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने का आदेश आपने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिया। कंबल घोटाला की जांच का आदेश हुआ। मोमेंटम झारखंड के नाम पर सरकारी धन की लूट की जांच कराने की बात आगे बढ़ी। झारनेट 2 योजना की बदहाली में पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री की भ्रष्ट भूमिका के प्रमाण मैंने सामने रखे। कौशल विकास और नियोजन के फर्जीवाड़ा का भी मैंने पर्दाफाश किया। राज्य स्थापना दिवस समारोह 2016 के अवसर पर टॉफी टी शर्ट की खरीद पर सुनिधि चौहान का कार्यक्रम आयोजित करने में तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिवालय की संलिप्तता के कारण लाखों रुपए के सरकारी धन का वारा नहरा होने के ठोस प्रमाण मैंने उपलब्ध कराए। इस बारे में विधानसभा बातों पर सरकार में अमल हुआ। मेनहर्ट घोटाला की जांच एसीबी से कराने का आपका आदेश 1 साल पहले हुआ, लेकिन यह आदेश FIR कर जांच करने का नहीं हुआ बल्कि प्रारंभिक जांच करने का हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, जांच पदाधिकारियों के समूह ने इसकी गहन जांच कर कई माह पूर्व जांच प्रतिवेदन सौंप दिया। जांच में मुख्य अभियुक्त और अन्य दोषी चिन्हित हो गए। इसी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर एक मुकदमा में सरकार के अधिवक्ता सुनवाई कर रही खंडपीठ को बार बार आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन ना तो विधानसभा में दिया गया आपका आश्वासन अब तक पूरा हुआ, ना ही हाई कोर्ट में कहीं दोषियों को उनका पक्ष रखने का मौका दिया गया। लेकिन FIR दर्ज कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का मामला सरकारी संचिका में धूल फांक रहा है। इसके साथ सरयू राय ने यह भी कहा कि ऐसी नौबत ना आए कि जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए उसके लिए हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़े। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।